हेलो एवरीवन, डार्क लगा स्टैक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज्यादा ऑसम एंड फैंटास्टिक हो। नथिंग फोन 2 के बारे में भाई जितनी बात करें उतनी कम है। फाइनली अपडेट्स को लेकर कंपनी ने काफी ज्यादा प्रोमिसेस किए थे, बहुत सारी वादे किए थे, मतलब वादे टाइप के बहुत सारी चीजें की थी, आप लोगों को तो पता ही होगा। बट फिलहाल बात यह है कि नथिंग फोन 2 का ना लेटेस्ट अपडेट अभी काफी टाइम से स्टक हो रखा था, मतलब अप्रोक्स हो चुके 3 मंथ्स हो चुके हैं। जनवरी में तो आया ही था, फरवरी मार्च स्किप होके अप्रैल में आया, मतलब मेरे नज़र से वो 3 मंथ्स हो गए हैं, क्योंकि बीच में इनको नथिंग फोन 2A लॉन्च था, ये स्टाफ की कमी हो गई थी मे बी, दैट्स वाई इनके पास अपडेट में थोड़ा सा डिले हुआ है। तो फाइनली इस फोन का एक अपडेट आ गया है। इस अपडेट के बारे में एक काम करते हैं, बात करते हैं बिना किसी देरी के, इस वीडियो को स्टार्ट भी कर लेते हैं, सेटिंग्स में चल के देख लेते हैं। तो इंस्टॉलिंग हो रही है, दोनों के सही से चल पाएगा, मतलब ऐप वगैरह ओपनिंग में थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है, देखते हैं ऐप ड्रॉअर में कैसे इम्प्रूव किया गया है। एड एन ऑन ऑप्शन फॉर नथिंग आइकन पैक टू बी अप्लाइड टू द होम स्क्रीन, इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी इन द ऐप ड्रॉअर। तो जो भी है वो सब अभी देखने को मिल ही जाएगा अपडेट के बाद। छोटी छोटी चीज़ें उनको एड ऑन किया गया है, मतलब ये कह सकते हो परफेक्शन लाने की कोशिश की गई है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लाए गए हैं, और साथ साथ में हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी होता जा रहा है। सेकेंड में जो एड ऑन किया गया है, यू कैन नाउ स्क्रोल थ्रू पेजेस ऑन द होम स्क्रीन वाइल होल्डिंग ऐप आइकन्स फॉर ए मोर इंट्यूटिव एक्सपीरियंस वाइल ऑर्गेनाइजिंग आइकन्स। मतलब आप थीम वगैरह अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, लाइक मैंने ऐसे तरीके से होम स्क्रीन बना रखा है, अगर ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं अलग अलग पेजेस में तो अच्छे तरीके से मूव कर पाएंगे। इस नथिंग ओएस को धीमे धीमे करके पॉलिश करते जा रहे हैं, जितना भी अच्छा इंप्रूव करते जाए, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्मूद है ये फ़ोन। और इंप्रूवमेंट्स में यह है, फिक्स एन इशू विद कार ब्लूटूथ मीडिया प्लेयर्स, मतलब मैंने मीडिया प्लेयर्स में नोटिस किया है जो इसके अंदर बग है, जैसे व्हाट्सएप कॉल वगैरह करते हैं तो उसमें ब्लूटूथ कभी कभी फ्लैक्चुएट करता है, कनेक्ट रिकनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके काफ़ी ज़्यादा इशूज़ फेस करने के बाद ब्लूटूथ के थ्रू ऑडियो ट्रांसफ़र हो पाती है, मतलब कॉलिंग हो पाती है। ये चीज़ मैंने फेस किया है, ये शायद अभी इस अपडेट के बाद होता है, नहीं होता वो भी बता दूंगा आपको। अब सेकंड थिंग इसमें ऑप्टिमाइज एनिमेशन इन सर्टेन सिनेरियोस फॉर स्मूदर ट्रांजेक्शंस। तो ये तो जैसे कि मैं S24 Ultra यूज़ करता हूँ, उसके कंपेयर में देखा था नथिंग फोन 2 में स्मूदनेस की थोड़ी सी कमी फील होती है, उससे पहले ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्मूद लगता था। अब अल्ट्रा ही फाइनली हाथ में आ गया तो फिर बात अलग, अल्ट्रा की अलग आ जाती है, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्मूद है कंपेटिवली अदर फोन्स के, जो भी मैं एंड्रॉइड फोन यूज़ करता हूँ। वन प्लस वगैरह जैसे यूज़ करेंगे तो देखेंगे तो आपको स्मूदनेस में कोई वैसा मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा कि हाँ यार ये कहीं से कम पड़ रहा है, उसमें 8 Gen 2 है, इसमें 8 Plus Gen 1 है, तो डिफरेंस ऐसा कुछ फील नहीं होता है। अब तो है सिक्योरिटी पैच अपडेट, वो भी अप्रैल का 2024 का भी आ चुका है इसके अंदर सिक्योरिटी पैच वर्जन। तो फोर्थ थिंग जो इसमें फिक्स की गई है, रिजॉल्व सिस्टम स्टेबिलिटी इशूज विद एनहेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो 64 MB का अपडेट है, इस अपडेट के बाद कैसा होगा वो मैं 1-2 दिन यूज़ करूंगा, फिर देन मैं बताता हूँ कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है। कैमरा को लेकर कुछ बोला नहीं गया, तो कैमरा को लेकर डेडिकेट मैं बात करना चाहूँगा नथिंग का, और इसमें पबजी टेस्ट को लेकर कि गेमिंग वगैरह में कैसा रिस्पॉन्स रहा है नथिंग फोन 2 का, वो भी कह सकते हो 6 मंथ के बाद कैसा रिस्पॉन्स, वो सब चीज़ भी बात कर लेंगे, वो बाद में बात करते हैं, काम करते हैं पहले इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो गाइस ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, रिस्टार्ट कर देते हैं फोन को। एक ऐप आइकन को होल्ड करता हूँ और होम स्क्रीन में डायरेक्ट मूव करता हूँ, तो इजी टू मूव हो गया, मतलब आप ज़्यादा अच्छे से कस्टमाइज़ कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसको जिस तरीके से मैंने होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर रखा है ना अपना, तो ऐसा ही मैं सारे पेजेस में करना चाह रहा था। ये थोड़ा मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा ना ऐप्स को, तो वो आपको भी अच्छा लगेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम लाइफ 360 वगैरह जो भी है, वट एवर स्पेसिफिक अगर चैट वगैरह अगर लगाना चाहते हैं, जैसे किसी का भी जिस तरीके से आप कुछ करना चाहते हैं, तो अदर कस्टमाइज मतलब विजिट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें एड ऑन हो चुके हैं। नथिंग ओएस दिन ब दिन इंप्रूव होता जा रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एंड्रॉइड में एक तरह से बेस्ट UI में से मैं काउंट कर सकता हूँ इसको। मतलब अब एक काम करते हैं, बाकी सब चीज़ों को देखते हैं स्टेबिलिटी वगैरह कितना इंप्रूव हुई है, 2 दिन में प्रॉपर तरीके से यूज़ कर लूँ फिर आप लोग बताऊंगा। वैसे भी कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, एक छोटा सा अपडेट था। अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं किया है नथिंग ओएस 2.5.3 में अपडेट नहीं किया अभी तक, तो अभी अपडेट मत कीजिएगा, 1-2 दिन रुकिएगा, उसके बाद अपडेट करना। कैमरा वगैरह में क्या इंप्रूवमेंट है, कितना ज़्यादा बढ़िया स्मूथनेस आया है इसमें, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 डेज़ की बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बस लास्ट में इतना बोलूँगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। सही है।